चलिए वेलकम, स्वागत है आप सभी का और फिर से। तो पिछले वाले वीडियो में आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। तो यह हमारा प्रकाश का परावर्तन का पार्ट टू है। क्या जी? प्रकाश का परावर्तन का पार्ट टू है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को जो है ना इस वीडियो में भी आपको हम बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी ने पिछले वाले वीडियो में इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा अच्छा कॉमेंट किया कि सच कहता हूँ दिल भर यार। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो आप सभी जो है ना पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं जो इस 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप जो है ना अच्छी तरह से जो है इसका जो है ना कॉपी बना लीजिएगा, बिल्कुल फुल्ली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है ना पूरा फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसका टेंशन मत लीजिएगा, पूरा कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो कल हम लोग पार्ट वन पढ़ लिए थे, और वो अगर आप नहीं देखें तो आइटम में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां दे देंगे, अथवा इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत, हम लोग प्रकाश के बारे में समझ गए थे, प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे गमन करती है, इन सभी बारे में सीख लिए थे। अब आते हैं कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि लाइट ऑफ सोर्स, यानी कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। स्रोत का मतलब होता है कि जिस स्थान से या जिस जगह से या फिर जिस वस्तु से जो चीज आता है, यहाँ पे प्रकाश का स्रोत है, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश आती है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, यानी कि जिस जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है, बिल्कुल यह प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। तारे, लालटेन, दिया, दीपक, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रकाश का हमारा स्रोत है, क्योंकि इन सभी चीजों से सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारे से प्रकाश निकलते हैं, लालटेन बढ़िएगा तो प्रकाश निकलेगा या विद्युत बल्ब हो जाएगा, इस भी क्या आपका प्रकाश का स्रोत है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस वस्तु से है ना, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रकाश स्रोत जो है ना प्यारे बच्चों, वह दो तरह से होता है। अब कौन कौन, देखिए प्रकाश हमें दो तरह से मिलता है, एक बल्ब के द्वारा, दीपक के द्वारा, लालटेन के द्वारा, अर्थात एक ऐसा वस्तु जिसको कि मानव ने बनाया है, जैसे कि हमारा विद्युत बल्ब मानव ने बनाया है, लालटेन, दिया, दीपक, मोमबत्ती, किसी भी क्या प्रकाश का स्रोत है। लेकिन इन सभी वस्तुओं को किसने बनाया है, मानव ने बनाया है, हम मानव ने बनाए हैं, तो हमारा क्या हो गया, मानव निर्मित स्रोत हो गया, ठीक है ना। और एक स्रोत वह होता है जो प्रकृति द्वारा दिया हुआ होता है, उसको किसी ने आदमी ने बनाया है, जैसे आपका सूर्य हो गया, तारे हो जाएंगे, आपका जुगनू हो जाएगा, इसे भी क्या प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। तो इस तरह से जो है ना प्रकाश में दो तरह से मिलता है, एक प्राकृतिक रूप से और एक मानवीय रूप से मिलता है। तो आइए सीखते हैं हम लोग क्या कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे है ना। प्रकाश स्रोत कई तरह का होता है, आपको अभी बताए थे कि प्रकाश स्रोत जो है यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक का मतलब होता है कि मतलब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम का बोलिए या फिर मानव निर्मित बोलिए, कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित का मतलब होता है प्रकाश का ऐसा स्रोत जिससे कि मतलब जिसको कि मानव ने मनुष्य ने खुद अपने हाथों से बनाया है, जैसे कि आपका ये लालटेन, ये जिसे कि ट्यूबलाइट बल रहा है ना, लालटेन आदमी बनाया है, विद्युत बल्ब आदमी ने बनाया है, मोमबत्ती आदमी ने बनाए हैं, इसे भी क्या है आपका प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। लेकिन जिसको आदमी ने नहीं बनाया है, वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रकाश का जो प्रकाश स्रोत जो है दो तरह का हो गया। तो हमारा है पहला कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, आंसर है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब होता है दिया हुआ, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्रकाश को प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। यानी ऐसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को किसी आदमी ने नहीं बनाया, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, यह जो है ना स्वयं प्रकृति के द्वारा हमको मिलता है। तारे, जुगनू, जुगनू एक कीड़ा होता है,
प्राकृतिक कीड़ा होता है जो कि रात में जो है ना भूगा उसका पिछला वाला हिस्सा जो है ना भूगा भूगा बढ़ता है। ठीक है, तो ये सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गया, ये सभी क्या है, प्रकाश इससे उत्पन्न होता है लेकिन यह प्राकृतिक रूप से, इसमें कोई बटन नहीं होता है, दाब दीजिए प्रकाश आ गया, दाब दीजिए बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह प्रकृति के द्वारा है, इस सूर्य को तारे को जुगनू को मानव ने नहीं बनाया है, अर्थात यह प्रकृति के द्वारा दिया गया है, अर्थात यह हमारा प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा प्रकाश का। और दूसरा हमारा होता है कि प्रकाश का कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी कि प्रकाश का ऐसा स्रोत जिनका निर्माण मानव ने अपने हाथों से किया, अर्थात मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रकाश को, यानी ऐसा प्रकाश, यानी ऐसा वस्तु जिसको कि मानव ने खुद अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से निर्माण किया गया है, उनको प्रकाश का क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, बल्ब को आदमी ने बनाया है, किसी साइंटिस्ट ने बनाया है, लालटेन ये हमारा कृत्रिम स्रोत है, इसको भी किसी आदमी ने बनाया है, दिया, दीपक, टॉर्च, मोबाइल, ये सभी क्या प्रकाश का स्रोत है लेकिन ये हमारा क्या है, कृत्रिम स्रोत है, इसको मानव ने बनाया है, यानी कि जिसको मानव ने बनाया है उसे कहते हैं मानव निर्मित स्रोत, या फिर क्या बोलेंगे उसको, कृत्रिम स्रोत कहेंगे, और जो कि प्रकृति द्वारा हमें उपलब्ध होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। चलिए अगला हमारा है कि प्रदीप्त या दीप्तमान अथवा अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं। तो हमारा जो है ना यह प्रदीप्त या प्रदीप्त बोलिए या फिर दीप्तमान बोलिए, एक ही आदमी के दो नाम है, ठीक है ना, अप्रदीप्त या अदीप्तमान ये वस्तु क्या होती है। ठीक है, तो ये प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ या वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो कि प्रकाश उत्सर्जित करती, जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे देखिए आपका सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है, ये हमारा प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। तारे, जुगनू, लैंप, लालटेन, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, इन सभी से प्रकाश निकलता है ना, इन सभी का अपना खुद का प्रकाश है, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, या फिर दीप्तमान वस्तु इसको कहते हैं। लेकिन आप लोग का दिमाग में चलता हुआ होगा कि सर जी जो होता है चंद्रमा जो होता है वो इसमें क्यों नहीं आया, इसलिए चंद्रमा नहीं आया, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में चमकता है, ठीक है ना, इसलिए चंद्रमा जो है ना दीप्तमान वस्तु नहीं है। तो वैसे पदार्थ, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उन वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, जुगनू, लैंप, लालटेन, दिया, दीपक इत्यादि से भी क्या हमारा प्रकाश का, ये हमारा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब दीप्तमान पदार्थ है जो कि प्रकाश को उत्पन्न करता है। अगला हमारा है अप्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं। चलिए अप्रदीप्त, अ का मतलब होता है नहीं, प्रदीप्त का मतलब होता है उत्सर्जन करना, यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अर्थात प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है। वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी से क्या प्रकाश उत्पन्न होता है, नहीं होता है, कोयला, पत्थर, टेबल, चंद्रमा, चंद्रमा हमारा जो ना अप्रदीप्त वस्तुएं है क्योंकि चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता भाई, वह जो है ना सूर्य के प्रकाश में चमकता है। चलिए अगला हमारा है कि प्रकाश किरणों के अपवर्तन के आधार पर पदार्थ को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के आधार पर प्रकाश को, सॉरी पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो अपवर्तन के आधार पर पदार्थ को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक हमारा होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो यह पारदर्शी क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी वस्तु जिसमें प्रकाश किरणें आसानी से आर पार हो जाता है उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। याद रहेगा ना, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरणें आसानी से आर पार हो जाता है, आसानी से गुजर जाता है, उसका नाम क्या है, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि हमारा हो जाएगा
स्वच्छ पानी हो जाएगा, हमारा हवा हो जाएगा, इसमें भी हमारा क्या है पारदर्शी पदार्थ है, और कांच मतलब अच्छा वाला कांच हो जाएगा, घिसा हुआ कांच नहीं, तो फ्रेश कांच हो जाएगा। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरणें नहीं जा सकती है, आर पार नहीं हो जा नहीं हो पाती है, उसको नाम क्या है, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। याद रहेगा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो पाती है उन्हें कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ, जैसे कि हमारा हो जाएगा बुक, कोट, गत्ता, ठीक है ना, मोटा मोटा लकड़ी, टेबल कुर्सी, हमारा डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सब हो जाएगा। अब पारभासी क्या है, ऐसे इन सभी का डिफिनेशन आपको अगले वीडियो में देंगे, छोटा सा वीडियो था, ठीक है ना, वीडियो छोटा ही रहे लेकिन आपको समझ में आ जाए तो ये काफी है, ठीक है ना। पारभासी पदार्थ, पारभासी तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरणें पार तो होती है लेकिन अंश के रूप में पार होती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार होती है, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरणें अंशतः पार होती है उसे कहते हैं हम लोग क्या, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमारा कुहासा, धुआं, तेल लगा हुआ, कागज, रक्त, दूध, ये सभी हमारा क्या है पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, छोटा सा वीडियो था, अगले वीडियो से कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक खींचे, ठीक है ना, ताकि हमारा 5 से 6 वीडियो में हमारा फिर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बुक का भी देखा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा, ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।